बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान की फिल्म भारत का सबको बेसब्री से इंतजार है। कुछ दिनों से सलमान खान हर रोज फिल्म के पोस्टर शेयर कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जो काफी अच्छा लग रहा है। ट्रेलर में सबसे पहले सलमान डायलॉग बोलते हुए आते हैं, जिसमें वह कहते हैं 71 साल पहले ये देश बना और उसी वक्त शुरू हुई मेरी कहानी। वह खुद को मिडिल क्लास बूढ़ा कहते हुए एंट्री करते हैं और अपनी रंगीन जिंदगी के बारे में बताते हैं। अब ट्रेलर की शुरुआत में दिशा नजर आती है। फिल्म में सलमान खान का नाम भारत है और वो इसके साथ किसी सरनेम का इस्तेमाल न करने का राज भी बताते हैं। कैटरीना कैफ उनकी मैडम सर बनी है। दोनों की केमिस्ट्री इसमें काफ़ी झलक रही है, लेकिन ये हीरो हीरोइन को प्यार हो जाता है वाली कहानी नहीं है, बल्कि असल कहानी तो है इसके बाद शुरू होती है। फिल्म में जैकी श्रॉफ सलमान के पिता का किरदार निभा रहे हैं। कुछ सीन में नोरा फतेही, सुनील ग्रोवर भी नज़र आते हैं। फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें लीड रोल में नज़र आ रहे हैं सलमान खान की पूरी ज़िंदगी की कहानी दिखाई गई है। ये ट्रेलर लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। 3 मिनट 11 सेकंड के लंबे ट्रेलर में काफ़ी कुछ दिखाया गया है। कैटरीना कैफ की डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी लग रही है। फिल्म में इस पूरी जर्नी में सलमान के कई अलग अलग लुक हैं और सब वह बहुत जम रहे हैं। ट्रेलर के आखिर में सलमान भारत के बॉर्डर पर खड़े कैटरीना कैफ की तरफ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान और कैटरीना स्टार फिल्म ईद के मौके पर 5 जून 2019 को रिलीज़ हो रही है। वैसे आपको भारत का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।